हाँ जी बच्चों, तो हम यूनिट टू और इसके चैप्टर नंबर थ्री डिमांड के क्वेश्चन पे हैं। जिस क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड हमेशा के लिए कांस्टेंट नहीं रहती है, उसमें फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। डिमांड बढ़ भी सकती है और डिमांड घट भी सकती है। तो किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है, उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन कौन है। तो उसमें रिस्पॉन्सिबल दो चीजों को देख चुके हम। एक तो किसी भी कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आता है, उसके चेंज के लिए उसकी खुद की प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल होती है। एंड दूसरा, कई बार ऐसा भी ऑब्जर्व होता है कि किसी भी कमोडिटी की प्राइस तो कांस्टेंट है, फिर भी उसकी डिमांड अफेक्ट हो रही है। इसका मतलब ये हुआ कि एक कमोडिटी की डिमांड में जो चेंज आ रहा है, उसमें उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है और कोई रिस्पॉन्सिबल है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब किसी भी कमोडिटी की डिमांड में चेंज के लिए उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल ना होकर के कुछ और रिस्पॉन्सिबल हो, तो उस रीजन को, उस फैक्टर को हम अदर फैक्टर कहते हैं। और यहां पर हम अदर फैक्टर डिस्कस करने जा रहे हैं, और पॉइंट नंबर अदर फैक्टर में हम पॉइंट नंबर थ्री पे आ चुके हैं। तो बच्चे, किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने में इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। अब हम आपको ये चीज पहले क्लियर करनी होगी कि किसी भी कॉमोडिटी की डिमांड अफेक्ट होती है, उसके पीछे दो रीजंस होते हैं। एक तो उसका प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल हो, और एक जब उसका प्राइस रिस्पॉन्सिबल ना हो, जब वो कॉन्स्टेंट कोई और रिस्पॉन्सिबल हो, उसको हम बोलते हैं अदर फैक्टर। तो प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ एंड अदर फैक्टर। तो बच्चे, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ हमारा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। अब हम अदर फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं, और अदर फैक्टर पे हम आ चुके हैं, और अब हम पॉइंट नंबर थ्री पढ़ने जा रहे हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो आइए समझते हैं कि किसी कॉमोडिटी की प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, फिक्स है, फिर भी उसकी डिमांड में चेंजेस आ रहे हैं। तो इस चेंजेस के लिए हमारी इनकम कैसे रिस्पॉन्सिबल होगी? तो एक कॉमोडिटी की प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, फिर भी उसकी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो डिमांड में इस चेंज के लिए हमारी इनकम किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल है? इस चीज को समझने के लिए पहले आपको नेचर ऑफ गुड्स को समझना होगा। बच्चे, इस चीज को समझने के लिए सबसे पहले क्या आपको नेचर ऑफ गुड्स को समझना होगा कि गुड्स के कितने नेचर होते हैं। तो बच्चे, गुड्स हमारे बेसिकली दो तरीके के होते हैं। एक तो नॉर्मल गुड्स, गुड्स को हमने दो तरीके से, दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक हमारा नॉर्मल गुड्स होता है और एक हमारा इनफेरियर गुड्स होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारा नॉर्मल गुड्स। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर ये नॉर्मल गुड्स क्या होता है? तो बच्चे, नॉर्मल गुड्स आपको ये समझ लीजिए, वो गुड्स जो आपकी नजरों में अच्छी क्वालिटी की हो, वो गुड्स। अगर मैं एक रफ एग्जांपल दूं, एग्जैक्ट नहीं है बट एक ऐसे एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको नॉर्मल गुड्स का, अगर आप पूछ रहे हैं तो बच्चे, नॉर्मल गुड्स में आप मान लीजिए वो चीजें जो ब्रांडेड हो, जो हाई क्वालिटी की हो, जो अच्छी हो, उसको एक पल के लिए आप कंसिडर कर लीजिए, वो नॉर्मल गुड्स है। क्लियर है? समझ रहे हैं बच्चे? रिबोक, एडास, क्लियर है? ये सारी चीजें आपके क्या है, नॉर्मल गुड्स है। सैमसंग, आईफोन, ये सारी चीजें क्या है आपके, ये सारे आपके नॉर्मल गुड्स हैं जो कोई ब्रांड से लिंक करती है, जो अच्छी क्वालिटी की होती है। तो नॉर्मल गुड्स को लेकर के एज अ कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, जरा इस चीज को समझना होगा आपको। बच्चे देखिएगा, अगर जनरली कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो, कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए, तो कंज्यूमर गुड्स की डिमांड क्या करेगा, नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करेगा, ये ध्यान लगाना बड़ा जरूरी है कि गवर्नमेंट के जो है कंज्यूमर नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करेगा। अगर एज अ कंज्यूमर मेरी इनकम बढ़े, तो जो नॉर्मल गुड्स है, जो अच्छी क्वालिटी की चीज है, मैं उसकी डिमांड को बढ़ा दूंगा, इंक्रीज करूंगा, क्योंकि मैं अब उसको अफोर्ड कर सकता हूं।
मैं उसको लेना चाहता हूं क्योंकि वो ब्रांडेड है, अच्छी चीजें हैं, हाई क्वालिटी की चीजें हैं, और हम सब अच्छी क्वालिटी की चीजों को कंज्यूम करना चाहते हैं। और जैसे मेरी इनकम होगी कम, तो आप इस चीज को समझते हैं कि अब वो हमारे बजट से बाहर होगा, उसको अफोर्ड करना हमारे लिए थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाएगा, तो हम उसकी डिमांड को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्लियर है? तो जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड और कंज्यूमर की इनकम के साथ में डायरेक्ट रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन कैसे, कंज्यूमर की इनकम अगर इंक्रीज हो तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी वो ज्यादा करने लग जाता है, और जब कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज हो तो वो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या करने लग जाता है, कम करने लग जाता है। तो देर आर पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड नॉर्मल गुड्स। तो किसी भी कंज्यूमर के इनकम और नॉर्मल गुड्स में डायरेक्ट रिलेशन होता है। पहले आपको नेचर ऑफ गुड्स समझना होगा कि गुड्स के नेचर क्या होते हैं। गुड्स दो तरीके की होती हैं, नॉर्मल और इन्फीरियर। तो नॉर्मल गुड्स के बारे में अगर मैं डिस्कस आपसे कर रहा हूं तो जरा आप इस चीज को भी समझ लीजिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, मैं यहां पर आपको समझा देता हूं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स, डिमांड फॉर नॉर्मल गुड्स। जरा समझ लीजिए आप, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी, और कंज्यूमर की इनकम अगर कम हो जाए तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। तो आप देख रहे हैं इनकम जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है, और इनकम अगर कम हो रहा है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी कम हो रहा है। तो यहां पर आप समझ रहे हैं कि इन कंज्यूमर की इनकम और नॉर्मल गुड्स की डिमांड के बीच में पॉजिटिव रिलेशन होता है। तो यहां पर मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जरूरी नहीं कि हमेशा किसी गुड्स की डिमांड अफेक्ट हो रही है उसके प्राइस में चेंज आने की वजह से, कई बार उसके प्राइस कॉन्स्टेंट और कंज्यूमर की इनकम में ही चेंज आ जाए तो भी वो गुड्स की डिमांड में चेंज कर सकता है। अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर उसकी डिमांड बढ़ा देगा, और अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो कंज्यूमर की इनकम कम होने पर उसकी डिमांड को वो कम कर देगा। क्लियर है? अब आप इसके पॉजिटिव रिलेशन होता है। अगर आप इसके डायग्राम के ऊपर बात करें कि सर डायग्राम कैसा होता है, तो आइए जरा उस डायग्राम को भी देख लेते हैं, हम इसके डायग्राम को भी हम अच्छे से समझ लेते हैं कि डायग्राम कैसा बनेगा। देखिए बच्चे, छोटा सा डायग्राम बनाता हूं मैं सबसे पहले। ये वाई एक्सिस हो गया, ओरिजन हो गया, एक्स एक्सिस हो गया, प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, सिचुएशन क्या है, सिचुएशन में मेंशन कर दूं क्या सिचुएशन है, इंक्रीज इन द इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। ये सिचुएशन है कि नॉर्मल गुड्स के केस में अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो क्या होगा। आप समझते हैं कि अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर उसकी डिमांड भी बढ़ा देगा, ये तो पता है आपको कि इस केस में डिमांड क्या होगा, डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। तो पहले तो हम जनरल एक डिमांड कर्व बनाते हैं, प्राइस एंड क्वांटिटी। ठीक है, अब बताएं बच्चे, सबसे पहले यहां पर जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है गुड्स का, ये ओरिजिनल गुड्स का डायग्राम बन रहा है, डिमांड कर्व, जो डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, डिमांड बढ़ रहा है ना, ये बात तो कन्फर्म है डिमांड बढ़ रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इटसेल्फ, नहीं कोई और रिस्पॉन्सिबल है प्राइस को छोड़ के, तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। और एक बात मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दिया था कि कभी आप डिमांड कर्व बनाएं तो आप पहले ये देख लें, ये डिसाइड कर लें डिमांड में कैसा चेंज आ रहा है, बढ़ेगा या घटेगा, सिचुएशन को पढ़ने के बाद आप डिसीजन ले पाएंगे कि क्या होगा। तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मेरी इनकम बढ़ेगी तो मैं उसकी डिमांड क्या करूंगा, नॉर्मल गुड्स का डिमांड करवे मैं उसकी डिमांड को बढ़ाऊंगा, तो ये कंफर्म हो गया डिमांड में क्या चेंज आएगा, डिमांड इंक्रीज होगा। दूसरा आप ये भी समझिए कि इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा,
तो इस चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, और आपको क्लियर किया गया है जब भी कभी अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो तो वहां पर कर्व की शिफ्टिंग होती है। अब कर्व की शिफ्टिंग दो तरफ हो सकती है, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो बच्चे ये डिपेंड करता है कि डिमांड इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर डिमांड इंक्रीज हो रहा है तो शिफ्ट कहाँ होगा, ये शिफ्ट आपका राइटवर्ड होगा, क्योंकि यहां पे डिमांड इंक्रीज होगा इस केस में दिस, तो आपका ये डिमांड कर्व बन गया इस सिचुएशन में। क्लियर है बच्चे, समझ गए? अगर डिक्रीज होती है उसकी इनकम नॉर्मल गुड्स के केस में, तो आप क्या करते हैं? अगर इनकम ही डिक्रीज हो जाए, नॉर्मल गुड्स की बात कर रहे हैं, तो उसकी डिमांड कम होगी, और यहां पर भी डिमांड कम होने के लिए अदर फैक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, तो कर्व की शिफ्टिंग होगी, और कर्व की शिफ्टिंग कहां होगी, लेफ्टवर्ड हो जाएगी। कैसे, जरा उसको भी डायग्राम में देख लेते हैं। तो कई बार डायग्राम आपको ऑप्शंस ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं, डायग्राम सेलेक्ट करना पड़ सकता है, या फिर क्वेश्चन से ही आपसे पूछ ले एमसीक्यूज में कि नॉर्मल गुड्स के केस में कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज हो गई तो फिर डिमांड कर्व पे क्या चेंज आएगा। तो आपको पता है यहां पर अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो एक बात तो कंफर्म है, कर्व की शिफ्टिंग होगी। अब कर्व की शिफ्टिंग राइट होगी या लेफ्ट होगी, यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है। तो आप देख लीजिए डिमांड में क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिमांड इंक्रीज होगी तो फिर कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपको उस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है कि कर्व जो है वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। तो एमसीक्यूज में बेसिकली कोई रटे रटाए क्वेश्चन नहीं होते हैं, वो आपके नॉलेज को अच्छे से चेक किया जाता है, तो आप चीज को बड़े ध्यान से आप पढ़ेंगे। चलिए अगर आप इस केस को भी समझ लीजिए, डायग्राम को सिचुएशन में डिस्क्राइब कर देता हूं। डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। अभी हम नॉर्मल गुड्स डिस्कस कर रहे हैं, नॉर्मल गुड्स। तो आइए जरा नॉर्मल गुड्स का डिमांड कर्व पहले एक आप बिल्कुल शांति से एक जनरल डिमांड कर्व पहले आप बना लें। ये प्राइस को रिप्रेजेंट करेगा, ये क्वांटिटी को, और ये डिमांड कर्व है, ये प्राइस है, और ये क्वांटिटी। ये तो आपको सबसे पहले बनाना ही पड़ेगा। अब देखिए डीजल ने डिमांड में क्या चेंज आएगा, डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स। नॉर्मल गुड्स के कंज्यूमर हैं अगर आप, और आपकी इनकम ही कम हो जाए, तो आप उस गुड्स की डिमांड के साथ में कैसे बिहेव करेंगे, क्योंकि ये चीज थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, तो अफोर्ड करना मुश्किल हो जाएगा। डिमांड कम करेंगे, तो डिमांड कम करेंगे एक बात तो कंफर्म होगी, डिमांड कम होगी। अब बताइए यहां पर जो नॉर्मल गुड्स की डिमांड कम हो रही है, रिस्पॉन्सिबल उसका प्राइस है या हमारी इनकम है? हमारी इनकम है, तो अदर फैक्टर के अंदर काउंट होगा ये, तो कर्व की शिफ्टिंग होगी। तो यहां पर राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट डिपेंड करता है डिमांड में क्या चेंज आ रहा है। डिमांड डिक्रीज हो रही है तो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया दिस वन। तो ये बिल्कुल करेक्ट डायग्राम है। तो आपको यहां पर पॉइंट नंबर 3 में बताया गया है कि बच्चे किसी कमोडिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है तो ऐसा जरूरी नहीं कि उसकी प्राइस ही रिस्पॉन्सिबल हो, उसकी प्राइस कांस्टेंट हो सकती है और कंज्यूमर की इनकम रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। अब कंज्यूमर की इनकम कैसे रिस्पॉन्सिबल होगा, इस चीज को समझने के लिए आपको गुड्स के नेचर को समझना होगा। गुड्स दो नेचर के होते हैं, एक नॉर्मल गुड्स और एक इंफीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स मैंने बता दिया, वो गुड्स जो कि अच्छी क्वालिटी की होती है, जिसके साथ में कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा रहता है, इनकम इंक्रीज होने पर उसकी डिमांड बढ़ा दे और इनकम कम होने पर डिमांड उसकी कम कर दे। तो अगर ऐसा बिहेवियर किसी भी गुड्स के साथ में कंज्यूमर का है, तो कंज्यूमर के लिए वो गुड्स कौन सी गुड्स होंगी, कंज्यूमर के लिए वो नॉर्मल गुड्स होंगी। क्लियर है? अब आप यही सोच जरूर रहे होंगे कि सर इन्फीरियर गुड्स किसे कहते हैं, तो आइए जरा इन्फीरियर गुड्स को समझते हैं। इन्फीरियर गुड्स को जरा बच्चे हम समझते हैं। इन्फीरियर गुड्स के केसेस में वो गुड्स इन्फीरियर जो कि लो क्वालिटी की हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको हम अपनी अपने खुद की पसंद से हम ले रहे हैं, उसको कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी इनकम का लेवल कम होने की वजह से हमें वो लेना पड़ रहा है। तो इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स होती हैं
जो लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं, और लो क्वालिटी की गुड्स हमें इसलिए लेना पड़ रहा है क्योंकि हमारे इनकम का लेवल इतना अच्छा है नहीं। तो बच्चे इन्फीरियर गुड्स को लेना मेरी मर्जी नहीं, मेरी मजबूरी हो सकती है। अब हमेशा ध्यान रखिएगा, एक कंज्यूमर कभी भी अगर इन्फीरियर गुड्स कंज्यूम कर रहा है तो हमेशा उसका सब टारगेट यही रहेगा कि कभी भी अगर उसको छोड़ने का मौका मिले और उससे अच्छे गुड्स की तरफ शिफ्ट होने का मौका मिले तो वो बहुत जल्दी ही शिफ्ट मारेगा। तो इन्फीरियर गुड्स क्या, कौन सी गुड्स हैं? तो मैं यहां पर अभी आपको समझाने के लिए कह सकता हूं कि इन्फीरियर गुड्स वो गुड्स हैं जो लो क्वालिटी की गुड्स होती हैं, जिसको कंज्यूम करना कंज्यूमर की मर्जी नहीं मजबूरी है, लो क्वालिटी की चीजें। अब आप खुद सोचिए कि अगर इस केस में अगर आपकी इनकम बढ़ जाए और आप लो क्वालिटी की गुड्स के आप कंज्यूमर हैं और आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या आप उसकी डिमांड बढ़ा देंगे? इन्फीरियर गुड्स की बात कर रहा हूं, सिर्फ इन्फीरियर गुड्स पे रहे हैं आप। अगर आपकी इनकम बढ़ जाए तो क्या इन्फीरियर गुड्स को आप और बाय करने लग जाएंगे? नहीं, आप लो क्वालिटी के छोड़ करके आप नॉर्मल गुड्स को लेना शुरू कर देंगे। तो आप इन्फीरियर गुड्स की बात करें ना, जब मैं यहां पर इन्फीरियर गुड डिस्कस कर रहा हूं, इन्फीरियर गुड्स की डिमांड के साथ में क्या हुआ? आपकी जब इनकम बढ़ी तो आपने उसकी डिमांड को सेक्रीफाइस किया है, उसकी डिमांड को आपने छोड़ा है, गिव अप करा है, और आप नॉर्मल गुड्स की तरफ भाग गए। तो आप इन्फीरियर की बात करें, इन्फीरियर के केस में उसकी डिमांड कम की है आपने, तो आप यहां पे समझिए जरा क्या हुआ, इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड फॉर इंफीरियर, एंड डिमांड फॉर इंफीरियर गुड्स। अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाए तो इंफीरियर गुड्स की डिमांड क्या करेगा, जो लो क्वालिटी की होती है उसको फिर वो कम खरीदना शुरू कर देगा, अच्छी क्वालिटी को लेगा। पर इंफीरियर की बात करें तो इंफीरियर की डिमांड क्या करेगा, कम करेगा। क्लियर है? जनरली बच्चे क्या बोल देते हैं, जब इनकम बढ़ेगी तो गुड्स की डिमांड क्या करेगा, तो बच्चा कहेगा जब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड ज्यादा करने लग जाएगा। बच्चे नहीं, जरूरी नहीं कि हमेशा जब इनकम बढ़ी तो डिमांड ज्यादा करेगा, डिपेंड करता है ना कि वो गुड्स कौन सी है। नॉर्मल हुआ तो डिमांड ज्यादा करेगा, अगर इन्फीरियर हुआ तो डिमांड कम करेगा। तो कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से वो डिमांड बढ़ा भी सकता है, डिमांड कम भी कर सकता है, ये डिपेंड करता है वो गुड्स कौन सी है उसके लिए। अगर वो नॉर्मल है तो डिमांड बढ़ाएगा, इन्फीरियर तो डिमांड कम करेगा। तो ऐसे नहीं बोलना कि इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ा देगा। बच्चे पहले आप ये भी देख लेना वो कौन से गुड्स का कंज्यूमर है, उसी हिसाब से वो डिमांड में चेंज करेगा। तो इनकम इंक्रीज होने पे डिमांड बढ़ा भी सकता है और डिमांड घटा भी सकता है, ये डिपेंड करता है वो किस गुड्स का कंज्यूमर है। अगर नॉर्मल गुड्स है तो इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ाएगा, और अगर इन्फीरियर गुड्स है तो इनकम बढ़ने पर डिमांड कम करेगा। क्लियर है? समझ रहे हैं इस चीज को? तो इंक्रीज इन इनकम तो डिमांड क्या करेगा, इन्फीरियर का कम करेगा। अगर उसकी इनकम ही कम हो जाए तो उसको इस पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा, तो इसकी डिमांड क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो आप देख रहे हैं इनकम में जिस डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, डिमांड इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में उसके अपोजिट डायरेक्शन में चेंज आ रहा है। तो यहां पर आप एक बात कह सकते हैं कि कंज्यूमर की इनकम और इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में इनवर्स रिलेशन होता है, इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो अब देखिए, अगर मैं अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, एक पहले मेरी बात समझिएगा, क्वेश्चन जरा समझ लीजिए। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं इन्फीरियर गुड्स की डिमांड में जो चेंज आ रहा है वो डिमांड बढ़ रहा है या घट रहा है। तो इन्फीरियर गुड्स के प्राइस रिस्पॉन्सिबल नहीं है, मेरी इनकम रिस्पॉन्सिबल है, तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो इनकम ऑफ द कंज्यूमर हमारा पॉइंट नंबर 3 है कि कंज्यूमर की इनकम किसी गुड्स की डिमांड को अफेक्ट कर सकता है। अब कैसे अफेक्ट कर सकता है, वो डिपेंड करता है वो गुड्स कौन सी है, नॉर्मल या इन्फीरियर। अगर नॉर्मल गुड्स है वो तो इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड बढ़ाएगा और इनकम कम होने पर उसकी डिमांड को कम करेगा, और अगर वो इन्फीरियर गुड्स है तो इनकम बढ़ने पर डिमांड कम कर देगा और इनकम कम होने पर डिमांड उसकी बढ़ा देगा अगर वो लो क्वालिटी की गुड्स है तो। क्लियर है? डायग्राम के बारे में बात कर लें तो चलिए आइए इसके डायग्राम को डिस्कस करते हैं। देखिए बच्चे, इसके डायग्राम पर आते हैं अब हम।
सिचुएशन पहले क्या है, उस सिचुएशन मैं बता देता हूं। इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स के केस में जब तक गुड्स डिस्क्राइब नहीं होगा तब तक आप कैसे डिसीजन ले पाओगे वो करेगा क्या। वाई एक्स ओ, ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो यहां पर देखिए पहले जनरल डिमांड कर बना लेते हैं, दिस एंड दिस, प्राइस क्वांटिटी डिमांड कर। अब आप पहले सोचिए कि डिमांड में क्या चेंज आएगा, इंक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स। अगर आप इन्फीरियर गुड्स से कंज्यूमर है और आपके इनकम बढ़ जाए तो आप उसकी डिमांड क्या करेंगे, डिमांड कम करेंगे। तो एक बात तो कम है, डिमांड कम होगा। अब देखिए यहां पे इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसकी प्राइस या प्राइस को छोड़ के कोई और हमारी इनकम। तो यहां पर रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है। तो अदर फैक्टर केस में हमेशा कर्व की क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। अब वो राइट शिफ्ट होगा या लेफ्ट शिफ्ट होगा डिपेंड करता है डिमांड इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है। तो डिमांड क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो कहां शिफ्ट हो जाएगा, वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो डायग्राम आप समझिए बच्चे, 1 मार्क्स में आ जाएगा क्वेश्चन कि इन्फीरियर गुड्स का कंज्यूमर है, इनकम बढ़ गई, डिमांड कर्व में क्या चेंज आएगा। तो डिमांड कर्व इनकम बढ़ने पर डिमांड उसकी कम करेगा, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो यहां पर कर्व की शिफ्टिंग होगी, डिमांड कम करेगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा। क्लियर है बच्चे, समझ गए। आइए दूसरा केस का अगर डायग्राम बनाए यहां पर हम, अगर इनकम डिक्रीज हो जाए, डिक्रीज इन इनकम इन केस ऑफ इन्फीरियर गुड्स, प्राइस क्वांटिटी। अब देखिए बच्चे पहले डिसीजन लेते हैं डिमांड में, अगर मेरी इनकम कम हो जाए और मैं इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी की गुड्स की डिमांड क्या करूंगा, फिर मैं उस पर डिपेंडेंट हो जाऊंगा, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। तो डिमांड बढ़ जाएगी, अब आप बताइए इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ रही है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसकी प्राइस तो नहीं है, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो कर्व की शिफ्टिंग होगी और डिमांड बढ़ रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। इन चीजों को, छोटी छोटी बातों को जरा समझिए, अपने आप से बार बार रिपीट करवाइए, अपने आप से पूछिए, रीजन समझिए, एमसीक्यूज में यही चीजें आएंगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो गया। क्लियर है बच्चे, तो मैंने आपको साथ साथ कर्व भी बताता चला जा रहा हूं कि कर्व कहां शिफ्ट होगा। क्लियर है बच्चे, अब देखिएगा, अब आपके पास में नॉलेज हो चुकी है कि किसी कमोडिटी की डिमांड जरूरी नहीं कि उसकी प्राइस ही इफेक्ट करे, प्राइस कांस्टेंट रहने के बाद भी कंज्यूमर की इनकम भी अफेक्ट कर सकती है। अब कंज्यूमर की इनकम कैसे अफेक्ट करेगी, ये डिपेंड करता है कि वो गुड्स कौन सा, अगर वो नॉर्मल गुड्स है तो कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो उसकी डिमांड इंक्रीज होगी, और कंज्यूमर की इनकम डिक्रीज होगी तो उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और अगर वो इन्फीरियर गुड्स है, लो क्वालिटी गुड्स है, तो इनकम बढ़ने पर उसकी डिमांड वो कम करेगा, वो अच्छी को लेगा, और इनकम कम होने पर उसकी डिमांड को बढ़ा देगा। ये बात अभी आपके नॉलेज में आ चुकी है। तो ये चीज आपके नॉलेज में आने के बाद, अब अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछता हूं, ध्यान से समझिएगा बच्चे, गुड्स है, एक्स नाम दे रहा हूं, इनकम है, अगर गुड्स एक्स, इसकी डिमांड के बारे में बात करें, एक्स गुड्स की इनकम अगर बढ़ जाए तो एक्स गुड्स की डिमांड क्या होगी, बताइए बताइए क्या होगी, डिमांड बढ़ जाएगी, इनकम बढ़ेगी तो डिमांड पक्का डिमांड बढ़ेगी, नहीं नहीं सर, अगर ये इन्फीरियर हुआ तो डिमांड कम भी हो सकती है, इनकम बढ़ने पर पक्का डिमांड कम होगी, नहीं नहीं सर, अगर नॉर्मल हो तो डिमांड बढ़ जाएगी, नॉर्मल हुआ डिमांड बढ़ेगी, इन्फीरियर हुआ तो डिमांड कम होगी, तो आप इसका आंसर अभी नहीं दे पाओगे क्योंकि आपको पता नहीं गुड्स कौन सा है। तो अगर ये गुड्स नॉर्मल हुआ एक्स, तो इनकम बढ़ने पर डिमांड बढ़ेगी, और इन्फीरियर हुआ तो इनकम बढ़ने पर डिमांड कम होगी। तो कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर गुड्स की डिमांड में चेंज कैसा आएगा, ये डिपेंड किस पे करता है,
उस गुड्स के नेचर पे कि वो इंफीरियर है या नॉर्मल है। और इससे पहले हम जनरली क्या सोचते थे, इनकम बढ़ेगी डिमांड तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इनकम उसकी ज्यादा हो रही है ज्यादा खरीदेगा। सर डिपेंड करता है ना गुड्स कौन सा है। अब पढ़ने के बाद ये नॉलेज हुई हमें कि कंज्यूमर की इनकम में चेंज आने से डिमांड कैसे अफेक्ट होगा, ये डिमांड के नेचर पे, ये गुड्स के नेचर पे डिपेंड करता है। इनकम बड़ी जरूरी है, डिमांड बढ़ेगी बढ़ेगी, अगर वो इन्फीरियर हुआ तो डिमांड कम भी हो जाएगी। तो ये डिपेंड किस पे करता है, गुड्स के नेचर पे। चलिए आपको पता नहीं गुड्स एक्स कौन सा है, मान लीजिए, अब मैं आपको हिंट दे रहा हूं, समझिए, डिमांड और इनकम, इनकम बढ़ी डिमांड भी बढ़ा कर रहे हैं ज्यादा, इनकम कम होते डिमांड भी कम कर रहे हैं, तो बताओ एक्स गुड्स कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ये तो फिर नॉर्मल गुड्स हो गया, इनकम बढ़ी ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, कम होने पर कम खरीद रहे हैं। तो नॉर्मल गुड्स की डेफिनेशन ही यही है कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर कंज्यूमर जिस गुड्स की डिमांड बढ़ा दे, और इनकम कम होने पर जिस गुड्स की डिमांड कम कर दे, वो गुड क्या हो गया, वो गुड्स नॉर्मल गुड्स हो गया। यहां पर इनकम और डिमांड के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। इंफीरियर गुड्स, अगर अगर मैं बोलूं इनकम बढ़ी डिमांड कम है, कम कर रहे हैं, इनकम बढ़ने से डिमांड कम कर रहे हैं, और इनकम कम होने से डिमांड अब इसकी बढ़ा रहे हैं, तो गुड्स कौन सा है। तो आप बोलेंगे सर ये इंफीरियर हुआ। तो इंफीरियर गुड्स की डेफिनेशन ही यही है कि वो गुड्स जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पर डिमांड कम करें और इनकम कम होने पर डिमांड ज्यादा करें, उस गुड्स को हम क्या कहते हैं, इन्फीरियर गुड्स कहते हैं। यहाँ पे इनडायरेक्ट रिलेशन होता है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया है, आइए जो भी हमने नॉलेज अभी तक ली है इसको थ्योरी में देखते हैं। और थ्योरी में क्या लिख रहा है, व्हाट इज द डिटरमिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, किसी भी कम्युनिटी की डिमांड को अफेक्ट करने के पीछे कौन कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है। तो कह रहा है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम भी रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, द इफेक्ट ऑफ चेंज इन इनकम ऑन डिमांड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कम्युनिटी अंडर कंसिडरेशन। मतलब कि इनकम में चेंज का डिमांड कम्युनिटी के डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये उस कम्युनिटी के नेचर पे डिपेंड करता है। अब नेचर दो तरीके के हैं, फर्स्ट वन इज इन द केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, मेंशन करोगे ना कौन सा केस को डिस्कस कर रहे हो, नॉर्मल गुड्स, इट इज द गुड्स हुज क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस एंड फॉल्स एज इनकम डिक्रीजेस। तो नॉर्मल गुड्स कौन सा है, वो गुड्स जिसकी डिमांड जब बढ़ती है जब इनकम बढ़ती है, और डिमांड जब कम होती है जब इनकम कम होती है। दस देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द इनकम एंड द डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड्स। क्लियर है। और इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इट इज द गुड्स हुज डिमांड फॉल्स विद इंक्रीज इन द इंक्रीज इन इनकम एंड डिमांड फॉर एन इंफीरियर गुड्स। इन अदर वर्ड्स गुड्स हुज इनकम इफेक्ट इज नेगेटिव आर कॉल्ड इंफीरियर गुड्स। क्लियर है बच्चे। समझ में आ गया आपको, कोई डाउट, क्लियर है ना, कोई डाउट, समझ रहे हैं। तो ये नॉर्मल, तो कंज्यूमर की इनकम किसी गुड्स की डिमांड को कैसे अफेक्ट कर सकती है। क्लियर है बच्चे, कोई डाउट है तो मुझसे आप जो है कॉन्टेक्ट नंबर आपके पास में, आप कॉन्टेक्ट कर करके आप उससे पूछ सकते हैं। कॉन्टेक्ट में आप ऑडियो मैसेज कर दीजिए, मैसेज डाल दीजिए, जब भी मैं फ्री हूँगा उसका मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है बच्चे। हाँ जी बच्चे, अब हम पॉइंट नंबर फोर पर आ चुके हैं कि किसी भी कम्युनिटी को की डिमांड हमेशा तो कांस्टेंट रहती नहीं है, उसकी डिमांड फ्लक्चुएट होती रहती है, बढ़ भी सकती है घट भी सकती है, उनके पीछे क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं। तो डिटर्मिनेंट्स नंबर फोर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। बच्चे टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कि कंज्यूमर का टेस्ट क्या है, कंज्यूमर का प्रेफरेंसेस क्या है, प्रायोरिटी पे क्या है। तो जनरली आप देखिएगा कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे चेंजेस आते रहते हैं, उसमें स्टेबिलिटी नहीं हो रहती है, क्योंकि जो चीज फैशन में है ट्रेंड में चल रहा है वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे प्रायोरिटी में आ जाती है। तो कंज्यूमर क्या करता है, उसकी डिमांड बढ़ा देता है। तो आप देखिए वहां पर उस गुड्स के प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आया, प्राइस तो कॉन्स्टेंट है, प्राइस वही है, बस वो चीज क्या हुई, फैशन में आ गई, ट्रेंड में आ गई। तो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे प्रायोरिटी पे आ चुकी है। तो कंज्यूमर ने क्या करा, उस कमोडिटी की डिमांड को
बढ़ा दिया है। तो यहां पर उस कमोडिटी की डिमांड सिर्फ इसलिए इंक्रीज हो रही है क्योंकि वो फैशन में आ चुकी है या फिर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में कंज्यूमर के आ चुकी है। उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, फिर भी उसकी डिमांड बढ़ रही है। तो इस केस में भी आप इस चीज को जरा समझेंगे तो उस गुड्स के लिए आप कह सकते हैं फेवरेबल चेंज आ गया कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में। कंज्यूमर के कोई भी गुड्स ट्रेंड में आ जाए, फैशन में आ जाए, तो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज कहते हैं उस चीज को, क्योंकि कंज्यूमर उसके फेवर में जाएगा। अब उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया तब भी उसकी डिमांड ज्यादा हो जाएगी। तो यहां पर उस गुड्स की डिमांड में जो चेंज आ रहा है रिस्पॉन्सिबल अदर फैक्टर है, उसके प्राइस का कोई रोल नहीं है। और ऐसे ही कोई चीज जब आउट ऑफ फैशन हो जाती है, जब वो चीजें फैशन से बाहर हो जाती हैं, पुरानी हो जाती हैं, अब फैशन में नहीं है, वो चीजें आउट ऑफ फैशन हो गई है, तो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे एक तरीके से नेगेटिव चेंज आ जाता है उसको लेकर के। तो कंज्यूमर उस चीज को प्रायोरिटी नहीं देता है। तो देखिए उसके प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इवन प्राइस कॉन्स्टेंट है, बढ़ी भी नहीं है, तब भी उसकी डिमांड क्या हो गई है, अब कम हो गई है। तो किसी भी कमोडिटी के प्राइस में चेंज आए बिना उसकी डिमांड बढ़ सकती है अगर वो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में पॉजिटिव चेंज आ जाए, और उसकी डिमांड कम हो सकती है अगर कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में नेगेटिव चेंज आ जाए। तो किसी कमोडिटी के डिमांड में चेंज कैसा आएगा उसके प्राइस में चेंज किए बिना भी, तो ये डिपेंड करता है कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पे। तो अगर फेवरेबल चेंज आ गया तो डिमांड क्या होगी उस गुड्स की, इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको पता है जब डिमांड इंक्रीज हो रही है तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, प्राइस ऑफ द गिवन गुड्स या अदर फैक्टर? उसका प्राइस तो रिस्पॉन्सिबल है नहीं, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो कर्व का क्या होगा, शिफ्टिंग होगी, अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। तो डिमांड बढ़ेगी तो कर्व की शिफ्टिंग कहाँ होगी, राइट वर्ड शिफ्ट होगा। तो आप इस केस में आप एक तरीके से, मैं छोटा सा डिमांड कर्व बनाऊं, तो इस केस में आप जनरल डिमांड कर्व, आपका ये डिमांड है, अगर फेवरेबल चेंज आ जाए टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में तो डिमांड बढ़ेगा, और अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो बढ़ेगा तो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो वही कर्व, वही डायग्राम बार बार रिपीट होने हैं, बट आपको बस ये देखना है वो राइट जाएगा या लेफ्ट जाएगा। अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो शिफ्ट होगा राइट या लेफ्ट, डिपेंड करता है डिमांड इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज। और यही अगर नेगेटिव चेंज आए, अनफेवरेबल चेंज आ जाए, तो कोई भी गुड्स है उसकी डिमांड ये है, तो डिमांड प्राइस क्वांटिटी, डिमांड कम हो जाएगी तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है तो कर्व की शिफ्टिंग होगी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर्व बना सकते हैं, अपने आप ही इस चीज के बारे में सोच सकते हैं आप, और आप एमसीक्यूज में इस चीज को आप अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। तो आपको एक बात कंफर्म हुई कि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस क्या होता है, और किसी कमोडिटी की प्राइस में चेंज आए बिना सिर्फ और सिर्फ टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस की वजह से उसकी डिमांड अफेक्ट हो सकती है। कैसे अफेक्ट हो सकती है, अगर वो चीजें फैशन में आ जाए तो कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में फेवरेबल चेंज आएगा जिसकी वजह से उसकी डिमांड बढ़ जाएगी, क्लियर है? अगर वो आउट ऑफ फैशन हो जाए तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में नेगेटिव चेंज आएगा जिससे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी, दे इंक्लूडेड चेंज इन द फैशन, कस्टम्स, हैबिट्स एटसेट्रा। इफ द कॉमोडिटी इज फैशन और इज प्रेफर्ड बाय द कंज्यूमर, देन डिमांड फॉर अ सच अ कॉमोडिटी राइज। अगर वो फैशन में है, कंज्यूमर के प्रेफरेंसेस में है, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ऑन द अदर हैंड द कम्युनिटी फॉल्स इफ द कंज्यूमर हैव नो टेस्ट फॉर दैट कम्युनिटी। अगर उसके लिए कोई भी टेस्ट नहीं है तो उसके क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब अच्छे पॉइंट नंबर फिफ्थ पे आ जाते हैं कि कम्युनिटी की डिमांड में चेंज आ रहा है और उसकी प्राइस कॉन्स्टेंट है, फिर भी डिमांड में चेंज आ रहा है, तो अदर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होगा। तो अदर फैक्टर में कौन सा एक और फैक्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये इंडिविजुअल डिमांड केस में, एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर। कई बार ऐसी एक्सपेक्टेशन होती है कि फ्यूचर में प्राइस में चेंजेस आ सकते हैं, और हमेशा हमेशा एक्सपेक्टेशन रहती है। एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं हम, अभी लॉकडाउन जब मार्च में अनाउंस हुआ था, जनता कर्फ्यू संडे को, और जिस तरीके से आसपास कंट्रियों में हम न्यूज़ सुन रहे थे कि कुछ लॉकडाउन नाम की कोई चीज़ होती है उससे लोग घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, वो हमने
चाइना में उस चीज को हमने देखा, उस चीज को हम यूएस में भी कुछ लेवल तक देख रहे थे। तो जैसे जनता कर्फ्यू अनाउंस हुआ तो लोगों के माइंड में एक चीज आया कि जो भी एसेंशियल गुड्स हैं, मे बी फ्यूचर में इसकी प्राइस क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, शॉर्टेज हो सकती है, इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो फ्यूचर में एक एक्सपेक्टेशन था कि प्राइस बढ़ने के चांसेस इसके थे। तो क्या हुआ, प्रेजेंट में ही, उस दिन तो लॉकडाउन नहीं लगा था जनता कर्फ्यू से पहले, लेकिन उससे 2-3 दिन पहले ही सभी एसेंशियल गुड्स की डिमांड क्या होगी, बढ़ गई। तो बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, अगर लगता है कि फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज है तो प्रेजेंट में ही उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। लेकिन प्रेजेंट में तो उसकी प्राइस में कोई चेंज नहीं आया था, तो उसकी प्राइस में चेंज आए बिना ही प्राइस कांस्टेंट होने के साथ साथ ही उसकी डिमांड अब आप पहले से ज्यादा कर रहे हैं। क्यों ज्यादा कर रहे हैं पहले से डिमांड, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल क्या है, फ्यूचर में प्राइस बढ़ना एक ऐसी एक्सपेक्टेशन है। और यही चीजें ऐसी होती है, जैसे गोल्ड है, अब आज के टाइम पे गोल्ड जो है 52,000 54,000 के बिटवीन है गोल्ड आज के टाइम पे। तो फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस हैं कि इसकी गोल्ड इतना महंगा रहेगा नहीं, वो तो अभी कोविड में हो गया, कोविड की वजह से हो गया कि इंटरनेशनल कमोडिटीज में आती हैं, तो ये कोविड के उसमें बढ़ गया इसका प्राइस। अब गोल्ड का कोविड से क्या लेने देना है, ये तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो गया, तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इस समय गोल्ड 52,000 54,000 के नियरेस्ट है, 10 ग्राम गोल्ड, 10 ग्राम 50 से 55 हजार के बीच में, या 52 से 54 हजार के बीच में आप कह सकते हैं। इस समय लोग अवॉइड कर रहे हैं गोल्ड को, क्यों, एक्सपेक्टेशन है यार, सिचुएशन वैक्सीन आ जाएगी, सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी, तो फिर गोल्ड के रेट वापस वही 32,000 35,000 के बिटवीन आ जाएगा। तो अभी फ्यूचर में प्राइस के फॉल होने के एक्सपेक्टेशंस है, तो प्रेजेंट में ही क्या होगी, डिमांड कम हो गई। हालांकि प्रेजेंट में प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, तो प्रेजेंट में कमोडिटी के प्राइस में कोई चेंज नहीं आ रहा, तब भी डिमांड बढ़ सकती है, डिमांड कम हो सकती है। अगर फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस बढ़ेगी तो प्रेजेंट में डिमांड बढ़ जाएगी, फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है प्राइस कम होगी तो प्रेजेंट में डिमांड कम हो जाएगी कि फ्यूचर में ले लेंगे। तो आप देखिए कमोडिटी के प्रेजेंट में प्राइस में चेंज आए बिना ही उसके डिमांड में चेंज आ सकता है, क्योंकि फ्यूचर में एक्सपेक्टेशंस हैं आपके पास में। तो एक्सपेक्टेशंस ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर, इन द प्राइस ऑफ अ सर्टेन कॉमोडिटी इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज इन नियर फ्यूचर, देन पीपल विल बाय मोर। अगर ऐसा एक्सपेक्टेड है कि प्राइस इंक्रीज होगा इन नियर फ्यूचर, देन पीपल विल बाय मोर ऑफ दैट कॉमोडिटी देन वट दे नॉर्मली बाय, जो भी नॉर्मली बाय करते उससे ज्यादा बाय करेंगे। क्लियर है, अब पेट्रोल के प्राइस कल से बढ़ जाएंगे, तो आज जो पेट्रोल डलवाने आ रहा था वो ज्यादा पेट्रोल डलवा लेगा, तो डिमांड आज प्रेजेंट में बढ़ गई, पर आज तो प्राइस में चेंज नहीं आया था। देयर एग्जिस्ट अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द एक्सपेक्टेशन ऑफ चेंज इन द प्राइस इन फ्यूचर एंड चेंज इन द डिमांड इन द करंट पीरियड। फ्यूचर में प्राइस में जो चेंज आएगा और करंट में जो डिमांड में चेंज आएगा, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर फ्यूचर में प्राइस इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज है तो करंट में डिमांड बढ़ेगी, और फ्यूचर में अगर प्राइस डिक्रीज होने की पॉसिबिलिटीज है तो करंट में डिमांड कम होगी। तो बच्चे ये इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड मीन्स एक इंडिविजुअल सिंगल मेरे अपने लेवल पे मेरे डिमांड को कौन कौन अफेक्ट कर सकता है, वो सारे फैक्टर्स हमने इसमें पढ़ लिए हैं। क्लियर है बच्चे, अब हम इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक अब हम पढ़ेंगे।